चर्चित लूटकांड में शामिल एक और अभियुक्त अजय यादव का एनकाउंटर में पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल सुल्तानपुर में चल रहा इलाज। कब्जे से सफेद धातु के आभूषण, लगभग 4 किलोग्राम और अवैध असलाह व कारतूस बरामद। अभियुक्त अजय यादव पर 1 लाख रुपए घोषित था इनाम। संदिग्ध बाइक लेके जा रहे हैं, इस संबंध में पुलिस ने घेराबंदी की। इस घेराबंदी में अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की मारने के उद्देश्य। जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है। और ये जो टटीनी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इसके पास से करीब 4 केजी सिल्वर बरामद हुआ है, साथ में तमंचा भी बरामद हुआ है। अभी तक इस घटना में कुल 9 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें से एक अभियुक्त जो है, जिसका नाम मंगेश है, वो पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जो लूटपाट की घटना में जितने भी जो ज्वेलरीज गए थे, उसमें से जो गोल्ड की ज्वेलरीज है वो 100% ऑलरेडी बरामद हो चुकी है। जो सिल्वर ज्वेलरीज है उसमें आज को लेके अप्रॉक्सीमेटली 25 किलो बरामद हो चुका है, जो न्यायालय संपूर्ण है। और जो वर्तमान में जो अजय है वो अंडर ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 4 आरोपी अभी तक वांछित चल रहे हैं, जिसके लिए अलग से टीमें लगी हुई हैं। वो शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।